जाएंगे आपके नाना ओए बता क्या कर रहा है यार आपके नाना नहाने से क्या हो कैसे तंग कर रहा है चलते हैं रुक जाए यार मेरे भाई चलते हैं स्पेशली गार्डिंग के लिए घर की गार्डिंग के लिए इसको इनको मतलब अगर तैयार किया जाए तो ये बहुत ही मतलब परफेक्ट डॉग है अच्छे वाला डॉग है ये डरा रहा मुझे हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब होप सो आप सब बच्चे और स्वस्थ होंगे आज हम छत पे घूम रहे हैं और मैं अपने कप्तान मेरा शेर जो है मेरा डॉग मैं शेर भी बोल रहा हूँ डॉग भी बोल रहा हूँ मेरा डॉग जो है शेर ही है वैसे तो हरकतें शेरों वाली है शेर भी परेशान है सही बात है कि ये है क्या ये कौन सी मतलब ब्लैक कलर का शेर आ गया ऐसा लगता है शेर को भी तो हैं क्या हाँ शेर बोल रहा मैं कुत्ता हूँ फिर ऐसा शेर ने सुबह फोन आया था शेर का तो शेर ने बोला कि मैं कुत्ता हूँ अगर ये शेर है तो फिर मैं कुत्ता हूँ शेर ने ये बोला तो फिर अभी मैं अपने कप्तान को अपने कप्तान की ग्रूमिंग करूँगा और थोड़ा बहुत अपने कप्तान के बारे में जानकारी दूँगा कौन सी ब्रीड है और कहाँ पर ये ब्रीड पाई जाती है तो अभी मैं पहले ग्रूमिंग करता हूँ साथ साथ मैं आपको जानकारी भी दूँगा ये कहाँ का डॉग है कहाँ से मैं इसको लेके आऊँ और कैसे लेके आऊँ क्या मतलब क्या स्टोरी क्या है पूरी सारी स्टोरी मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास आया तो शुरू करते हैं इसकी ग्रूमिंग तो ये है हमारा शेर जैसे कि मैंने कहा था आपको कप्तान डॉन है मेरा ये और ये ब्रीड इस ब्रीड का नाम है हिमालयन शेप बोलते हैं वैसे और अपने इंडिया में बोलते हैं गद्दी बांड डॉग ये गद्दी डॉग रहता है ये बांड डॉग है और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग होते हैं ये स्पेशली गार्डिंग के लिए घर की गार्डिंग के लिए इसको इनको मतलब अगर तैयार किया जाए तो ये बहुत ही मतलब परफेक्ट डॉग है अच्छे वाला डॉग है ये और इंटेलिजेंट तो सच्ची में बहुत होते हैं करके दरवाजे खिड़कियां खुद खोल लेता है अभी बताऊं तो मैं सब कुछ करता है ये बस थोड़ा सा शरारती अभी बच्चा है बचपना है तो शरारती थोड़ा सा है बस वही है बाकी तो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है ये नहीं जाना बेटा अभी वो कर ले तो इसकी अभी ग्रूमिंग कर रहा हूँ मैं तो अभी मेरे कप्तान की ग्रूमिंग हो चुकी है मैंने कर दी है बहुत खुश रहता है ग्रूमिंग करवाने में प्रॉपरली इसकी ग्रूमिंग हो चुकी है अभी ये घर जाने के लिए बोल रहा है गर्मी ज़्यादा है ना तो गर्मी में ज़्यादा बैठ नहीं सकता अभी ये कमरे में बैठेगा थोड़ी देर एसी ऑन करना पड़ेगा नहीं तो ये बिल्कुल तंग करेगा घर पे बोलता है मैं बोल रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है ये इसको सब पता रहता है कब एसी ऑन है कब बंद है और अगर बंद है तो ऑन करने के लिए बोलता है ये इसका मतलब ऐसी ब्रीड है कि ये मतलब मेरे ख्याल में इंडिया में लोगों को पता भी नहीं इस ब्रीड के बारे में ये हिमाचल में मिलती है ब्रीड हिमाचल में मिलती है उत्तराखंड में मिलती है दो जगह में मिलती है ब्रीड और अभी ये नीचे जाने के लिए बोल रहा है निकल गया सीधे कहीं नहीं जाता है नीचे कमरे में ही जाएगा तो ये ब्रीड के बारे में बस इतना ही है बाकी मैं प्रॉपरली डिटेल में बताऊंगा आपको एक अलग से स्पेशली बिल्कुल इसी के साथ वीडियो बनाऊंगा अभी तो गर्मी बहुत है ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा मैं तो ग्रूमिंग के लिए इसको ऊपर लेके आया था चलता हूँ नीचे प्यास भी लगी ग्रूमिंग करने के बाद कप्तान को नीचे ले आए थे और उसके बाद आधा घंटा एक घंटा बैठा है अब बोल रहा है कि बाहर मुझे घुमाने लेके चलो घूमने के लिए बोल रहा है ये देखो बोल रहा है ये बैठा है और कह रहा घुमा अभी तो आया तू अभी घूमने जाएगा तो रेस्ट कर लियो बेटा अभी भी रेस्ट कर देने को ठीक है अभी ये घूमने के लिए बोल रहा है बाकी भाई साथ में चल भाई को बोल चलने के लिए पर भाई को पहले बोल रहा हूँ कि अपनी ये टी शर्ट को चेंज कर ले भाई हफ्ता हो गया कैसी मन्नत भाई ये देखो कैसे तंग कर रहा है चलते हैं रुक जाए यार मेरे भाई चलते हैं 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक मैं एवरीडे तो नहीं हर दूसरे दिन इसको पहनूंगा तो भाई ने कहा जैसा सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक ये चेंज नहीं करेगा शर्ट ये कब स्मेल गंदी आ रही है इसकी बैठा नहीं जा रहा ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे और भाई नहा लो मैं कह रहा भाई मन्नत तो चलो वो तो मेहनत करेंगे यार मेहनत करेंगे सब्सक्राइबर आ जाएंगे आपके ओए कप्तान क्या कर रहा है यार आपके नहाने से क्या होगा ये देखो तंग कर रहा है कह रहा बाहर लेके और चलते भाई मारेगा क्या चल ये देखो इसका ऐसा ही है अभी ये कह रहा है मेरे को बाहर लेके चलो अभी दरवाजा भी खुद ही खोल लेता है पहले ही मैंने बताया लेके जाना पड़ेगा नहीं तो भाग जाए कहीं बाहर भागता तो नहीं मुझे पता है पर फिर भी बाहर तंग करेगा लोगों को चलते हैं अभी इसको नहीं तो मेरे को हट नहीं रहा है चलते हैं फाइनली कप्तान को घुमाने के बाद घर पहुंचे हैं अभी भाई बाहर गर्मी बहुत है मौसम भी खराब हो चुका है बारिश भी हो सकती है और अभी कप्तान देखो आते ही पानी पिया और सो गया बहुत तेज चीज है ये अपना काम निपटते उसके बाद कोई लेना देना नहीं किसी से बस रेस्ट और जब नींद पूरी हो जाएगी फिर अपने पास आ जाएगा कहेगा मुझे घुमाने लेके चलो ये कप्तान कैसा ही है सिग्मा रूल है इसका सही बात है सिग्मा रूल है और अभी हम पहुंचे हैं जूते भी उतारे हमने तो और ये देखो महाराज हमारे किंग्स हो गए फोन आ रहा है शबू उठा खाना अभी हमने खा लिया रात का भोजन हो चुका है अब
अंदर आज विजय भाई के शादी की वो लेके आए थे पेन ड्राइव, वीडियो देखेंगे, घर वालों ने कहा लेके आए तो देख लेते हैं। मैंने भी पर मुझे आज नींद आ रही है, मेरा अभी देखने का मन नहीं है, मैं सुबह मॉर्निंग में ही देखूंगा, पर थोड़े थोड़े मैं शॉर्ट्स आपको दिखाता हूँ बीच में लेके उसमें डाल दूंगा, मतलब शॉर्ट्स क्या वही है, एक एक मिनट की क्लिप डाल दूंगा, देखते हैं फिर वीडियो, उसका मुझे सोना भी है, मैं पूरी दिखूंगा कल। अभी ये मेरे पास आ चुका है। कप्तान क्या कर रहा है यार, ऐसे मत कर प्लीज़ बख्श दे यार, तेज है मेरे से, तगड़ा है मेरे से, मैं कमज़ोर बनता हूँ भाई। अच्छा ले रहा पंखे मेरे से, मारूंगा मैं, अटक देखिए बार कौन कोई आया बार, दरवाजे से कोई गेट पे कोई आ गया, तोड़ के जा कैच, गो 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 गो, क्यों बेइज्जती करा रहा है, चला जा यार भाई, मैं भी तेरी तारीफ करता हूँ। अच्छा कप्तान जा बाहर, जा फोटो देख क्या, वही क्या देख रहा है कप्तान, क्या देख रहा है, कहाँ देख रहा है, तू मेरे से पंगे मत लेना, पहले बोल दो जो मारूंगा मैं। अच्छा ओए गंदा कर दिया तूने मुझे, तेरे कैसे रमान डॉक्टर हो जाए, मार पड़ती है कैसे कप्तान, है मुझे दर्द हुआ ना, लगी गई ना मुझे। अच्छा 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 लूँ पंगे ले रहा है, नहीं मानेगा तुम्हें, नहीं मानेगा तुम्हें, डंडा कहाँ है, तेज बन रहा ज़्यादा हैं। अच्छा जी ज़्यादा ही बन रहे हैं, मारो ना। अच्छा डरा रहा मुझे डरा रहा है, डंडा देखा है, डंडा देखा है, क्लास लग जाए मेरे से, फिर चलाक बनता ज्यादा है, पड़ जाएगा मैं से डंडा। अच्छा डरता नहीं बिल्कुल भी है, मान जा कप्तान मान जा, सोने का टाइम है, अब भी आ गए। अच्छा पहले मैंने वीडियो देखने का वो मन बना लिया था, पर नींद कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो जब देखो अभी सोने का टाइम है वैसे भी, तो अभी देखेंगे, फिर सुबह उठना है, काम पे भी जाना है, तो अभी फिर अगर देखने बैठे तो फिर भाई 2-2.5 घंटे तो वेस्ट हो जाएंगे, और नींद अभी सोने का टाइम बिल्कुल सोऊंगा तभी सुबह फ्रेश उठ पाऊँगा, तो मैं कल देखूँगा, अभी 6 बजे देखना शुरू कर दूँगा, 8-9 बजे देख के ख़त्म कर दूँगा, बाकी थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है मुझे, पता ही आपको मैं रात को एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद अगले दिन ब्लॉग डाल पाता हूँ, तो मुझे आज्ञा दे, क्योंकि ब्लॉग मेरा 8 मिनट का हो चुका है, तो मैं 8 मिनट का ही ब्लॉग रख रहा हूँ, पहले ही मैंने बताया आपको, तो मुझे आज्ञा दे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बाकी